भाई देखिए बॉलीवुड इंडस्ट्री में यार मेरे को सबसे ज्यादा दया जिस पे आती है ना वो है अभिषेक बच्चन। और ये ज्यादा इसलिए भी क्योंकि इनके जो रिसेंट मैंने काम देखे हैं, चाहे वो लूडो हो, दसवीं हो, भाई ने प्रूव कर दिया कि यार ही इज अ ग्रेट एक्टर यार, बहुत तगड़ी एक्टिंग स्किल्स है। लेकिन भाई कभी वो वर्थ दी ही नहीं, उस तरीके से इनको अपनाया ही नहीं जैसे हैं। रीजन ये भी है कि अमिताभ बच्चन के बेटे हैं भाई, प्रेशर बना रहा है इन पे। लेकिन भाई धूम सीरीज की अगर बात करें तो भाई जय दीक्षित इज वन जो भाई सीरीज को अपने कंधों पर खींचे ला रहा है। लेकिन हर बार विलन नया ला के सारा काम धाम उनके ऊपर थोप देते हैं। कभी जॉन अब्राहम सब कुछ खा जाते हैं, तो कभी ऋतिक रोशन, तो कभी दो दो आमिर खान एक अकेले अभिषेक बच्चन से लड़ने के लिए। एंड दिस टाइम देर आर रूमर्स या फिर भाई कन्फर्म हो गया है, सलमान इज प्लेइंग चोर इन दिस मूवी। एक ऐसा चोर भाई जिसने पूरे इंडिया के नाक में दम कर रखा है। भाई पूरे इंडिया के नाक में तो दम कर रखा है सलमान खान ने, लेकिन चोरी से ने भाई अपनी दिलदारी से। और इसी चीज़ पर अभिषेक बच्चन का जो रिव्यू था वो काफ़ी खतरनाक था, क्योंकि लोगों ने खाली अभिषेक बच्चन से रिलेट नहीं किया, लोगों ने ऐश्वर्या को भी घुसा दिया उसमें। और जिस तरीके से भाई अभिषेक बच्चन ने टैकल किया है, चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस है, देख कर मजा आ गया। देखिए जब रिपोर्टर्स ने पूछा कि सर सलमान इज डूइंग अ मूवी विद यू, सो ऐश्वर्या के उस पर क्या रिएक्शन थे, इट्स ही फाइन, Why would she not fine? I'm doing a great movie with a great star. She should be happy and she is happy. And I want कि कहीं ना कहीं से भाई ऋतिक और ऐश्वर्या का भी एंगल दिखाया जा सकता है चौथे पार्ट में। ये चीज़ भी मूवी को बड़ा ग्रैंड कर सकती है। साउथ से हम सीख सकते हैं कि जो मल्टी हीरो मूवीज होती हैं वो कितनी ज़्यादा चलती हैं। तो आई विश वो भी काम करें, ऋतिक भी काम करें, सलमान भी काम करें एंड मूवी को और आगे लेकर जाएं। भाई उसके बाद किसी रिपोर्टर ने कुछ पूछा ही नहीं, क्योंकि ऐश्वर्या को ही बोल दिया उन्होंने कि फिल्म में आ जा। तो मेरे हिसाब से अभिषेक बच्चन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी सलमान खान के साथ काम करने की। बाकी अब इंतजार है तो सलमान खान का कि वो कितने एक्साइटेड हैं अभिषेक बच्चन के साथ काम करने के लिए। क्योंकि रकीब का अगर आपको मतलब नहीं पता तो भाई गूगल कर लेना एंड कॉमेंट में मीनिंग बता देना लोगों का कि रकीब का मतलब आखिर है क्या। बाकी मिलता हूँ आपसे, चल बाय बाय।